जल ही जीवन है, जल के बिना जिंदगी अधूरी है। पर कामरा प्रखंड के रामपुर पंचायत के टाटी गांव का ग्रामीण गंदा पानी पीने पर मजबूर है, क्योंकि इस गांव का 6 चापाकल खराब पड़ा हुआ है और जिससे पानी निकल रहा है उससे भी गंदा पानी निकल रहा है। हमें और मन के ढेर परेशानियाँ है। छुआ मन स्कूल जाए ना, बिहाने पानी आने के जाए ला, हुआ 1-1.5 घंटा खड़ा है पड़े ला। छुआ मन के स्कूल नहीं पहुँचाए ना, हर मास्टरों मन ढड़ाए ना। चापा कर ले पानी लाने गंदा हो जाए ला, किधर निकले सेकंड कुआँ जाए ला, कुआँ का पानी भी गंदा है। कोनो लगे छाइन छूना के लाना थे दिन पानी पिया थी कहाँ थे इन्हें होने से। हमारे गांव में चापाकल तो बहुत है, 4-5 बोले एको वो सही ना। मेरे घर के बगल में एक चापाकल है जो करीब करीब 1.5 महीनों से खराब पड़ा है और पानी के लिए हम लोग को वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग के यहाँ करीब अगल बगल के घर में हम लोग 15-20 परिवार रहते हैं और उसी चापाकल का पानी से सेवन करते हैं। मेरे गांव में पेयजल की समस्या बहुत अधिक हो गई है। गर्म वर्षा, अभी गर्मी शुरू हो रहा है, शुरुआत गर्मी में ही ये समस्या है तो बाद में आगे चल करके क्या होगा। 6-7 चापाकल है जो खराब पड़ा हुआ है और 1-2 चापाकल ऐसा है जिसमें पानी तो निकलता है पर उसमें बहुत कम पानी आता है, साथ में गंदगी भी उसमें से निकलती है जिसे पीने के लिए बहुत ही समस्या हो रही है हमको। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर इतनी बड़ी समस्या हो गई है पेयजल को लेकर, लेकिन किसी विभागीय अधिकारी का नज़र नहीं पड़ा है। मैं और ग्रामीण चाहते हैं कि इन 6 चापाकल का मरम्मती हो जाए ताकि होने वाले अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे और स्वस्थ रहे। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती सुजाता कुजूर का मोबाइल नंबर 9835330602 है। अतः आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से हम अपील करते हैं कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी मदद करें ताकि इन चापाकलों का मरम्मती हो और पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिले।